ये देखो दोस्तों, मधुमालती के फूल है, इसके फ्लावर खुशबू बहुत देते हैं। 15 दिन चांदनी रात होती है नी, उस टाइम मून लाइट में ये फूल, जब मून सन होता है उस टाइम इसकी बहुत खुशबू आती है। लेकिन आज इस वीडियो पे टॉपिक नहीं बना रहा, आपका मेरे चैनल पर स्वागत करता हूँ। जो आपने मेंबरशिप लिया, प्यार दिया, सुपर चैट दिया, सपोर्ट दिया, स्पेशली एक्सिस सिस्टर के लिए उसका धन्यवाद, और जितने भी मेंबर बने हैं सबका धन्यवाद। आप सबके नाम पर एक प्लाट जरूर लगाऊंगा, आप टेंशन मत ले। आपने सब्जी बहुत खाई होगी, और ये बेल मेरी आप देख सकते हो। वैसे तो इसको बिहार साइड पे ज़्यादा लगाते हैं, इसको जुमनी कहते हैं। इसकी सब्जी बनाई जाती है, तोरी तो बड़ी होती है लेकिन इसका जुमनी का साइज छोटा। ये मैं दिखाता हूँ आपको अपनी छोटी सी बेल पे कितना फ्रूटिंग आ रही है, और कोई लंबी चौड़ी मिट्टी की आवश्यकता नहीं है। देखो दो, ये जुमनी है देखो, और ये अभी आने लग रहे हैं, ये देखो फ्लावर बर्ड। अब इसकी ज़्यादा केयर भी नहीं है, इसको खाद आप गोबर की खाद सिंपल देता हूँ, और नीम खली पोटा का साइज आप देख लो। ये मेरा 1x2 का, इसमें मैं चुकंदर भी लगाता हूँ, जैसे चुकंदर ख़त्म होता है इसी का बीज एक इसमें गिर देता हूँ। नेक्स्ट ईयर ये 20 से ऑटोमेटिक ग्रो हो जाती है, लगभग 4 या 5 महीने यह बेल मुझे सब्जी देती है। अभी तो ये थोड़ी छोटी है, मैंने इसी पे बेडे पे गिर दी ताकि इसके फ्रूटिंग देख लो आप साइज। ये तोरी नहीं है, कभी आप तोरी सोचो, ये जुमनी है, इसका साइज यही ज़्यादा होता है, इसलिए इसको हार्वेस्टिंग कर रहा हूँ। तो सोचा आपको आज इसकी हार्वेस्टिंग तथा केयर टिप्स बता दूँ। इसको लगाना बहुत इजी है, एक ऐसे इसको पका लेता हूँ मैं, उसके बीच जो बनते हैं मैं इसी पोट में गिर देता हूँ। अभी मौसम टेम्परेचर ज़्यादा है इसलिए मैंने इसमें अभी चुकंदर नहीं लगाया, इस गमले में चुकंदर लाता हूँ, चुकंदर के साथ ये जुमनी ऑटोमेटिक हो जाती है। और इसको जब साइज थोड़ा इतना साइज हो जाएगा इसको हार्वेस्ट कर लो। इसकी केयर में जो आपको बता देता हूँ, इसको फुल सनलाइट है, आप जैसे ही किसी रस्सी पे बांध दोगे, पिछले साल मैंने आपको दिखाया भी था शायद, इस साइड मैंने रस्सी पे बांध रखा था, तो आपके पर मैंने रस्सी पे नहीं बांधा क्योंकि थोड़ा व्यस्त प्रोग्राम चल रहा था, तो मैंने सोचा यहीं लटका दूँ। देखो लटकने के बाद भी देखो कोई फ्रूटिंग में कमी नहीं है, और इसके लिए आपने खाद पानी ज़्यादा नहीं देना, गोबर की खाद 15 दिन में देते रहे, और 20 से 40 ग्राम चूना इसमें घेर दे ताकि इसका पौधे की फ्रूटिंग अच्छी और हैवी हो। ये चूना और गोबर की खाद है। हाँ, उसके लिए मिट्टी तैयार करता हूँ, उस टाइम इसमें गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, लीव कंपोस्ट प्लस नीम खली घेरता हूँ, और आधी चम्मच हल्दी ताकि मिट्टी को दोबारा उपजाऊ बना देता हूँ। जैसे आप चुकंदर लगाऊंगा उस टाइम इसमें मैं खाद थोड़ा हैवी मात्रा में देता हूँ, उसके सिवाया कुछ नहीं। वाटरिंग इसको डेली चाहिए, अगर आप वाटरिंग करोगे उतनी अच्छी ग्रो करती है। वीडियो अगर आपको यूजफुल लगी हो तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और जो मेरे चैनल पर नए आए हैं वो मेरे चैनल को ज्वाइन कर ले। इसके अतिरिक्त जो मेंबरशिप भी ले उनका भी बहुत धन्यवाद, क्योंकि मेंबरशिप के पैसे से मैं पौधा रोपण करता हूँ घर पर पे भी और बाहर भी। आपके सहयोग के लिए तहे दिल से धन्यवाद। कुछ मेरे मेंबर हैं उनका चैनल का लिंक दे रहा हूँ, कृपया उनको भी ज्वाइन कर ले, बहुत सपोर्टिव है ऑल फ्रेंड, थैंक यू, धन्यवाद। और कुछ आपको ऐसे पौधे आयुर्वेद, इसमें देखो कोई केमिकल नहीं है, ये 2-3 दिन में सब्जी के लिए तैयार हो जाती है, ये लगा लो। अगर आपका छोटा परिवार है तो हफ्ते में 1 बार यहाँ, अभी तो बेल छोटी है, आज छोटी पे इतना फ्रूटिंग है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, जैसे बेल थोड़ा फ्लाव बढ़ेगा क्योंकि अब मैं ऊपर इस पर रस्सी घेर दूंगा, उसके बाद इसका फ्लावर से बहुत है, आप दूसरे दिन इसको तोड़ सकते हो। और कुछ इसमें ज़्यादा देख रेख की जरूरत नहीं, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय